पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की। सुबोधन सुरभि सर्पि सुंदर स्वादु पुनीत छन महु सबके परुसिगे चतुर सुवार विनीत। दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। प्रमोद प्रेम
सब पितृ बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। देव ऋषि वाल्मीकि जा बाली, आए मुनि पर निकर तब कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सब नृपकी ने, पर धेनु मगाई काम सुरभि सम सिर सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, आजु जग जीवन ला। पाई आशीष महीसु अनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि हय गय चंदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन। गुण गाथा जय 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 दिन कर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकै न बरनी सहस मुख जाहु।